नमस्कार, परमानंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जैसे जैसे ये जो ठंड का महीना आता है तो ऐसे में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम भी होने लग जाती हैं, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम भी होने लग जाती हैं। तो ऐसे में आप ऐसा क्या करें जो कि आपके आपको स्वस्थ भी रखे और इन प्रॉब्लम्स को आपसे दूर करें। तो आज हम बात करेंगे ऐसी चिकित्सा यानी पंचकर्म। आयुर्वेद में पंचकर्म चिकित्सा बहुत ही जानी मानी चिकित्सा होती है, तो उसके अंतर्गत आप क्या करा सकते हैं जिससे आप लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रहें और ये प्रॉब्लम्स आपको छू भी ना पाएँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जैसे ये मौसम स्टार्ट होता है तो जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे किसी को दमा है, अस्थमा है या किसी को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे मौसम में ठंडापन आना शुरू होता है तो ये चीज़ें अपने आप बढ़ने लग जाती हैं, यानी वात, कफ, ये सब प्रकोपित हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपकी पाचन अग्नि भी मंद हो जाती है, आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होता जिसकी वजह से आम बनने लग जाता है, और तो उसकी वजह से फिर क्या और भी प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ ऐसे मौसम में मतलब आपका मोटापा भी काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि आपकी पाचन अग्नि मंद हो जाती है, डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो भी आपका जो फैट है वो एक ही जगह एक्यूमुलेट होता रहेगा। उसके साथ ही साथ आपको जॉइंट प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। जिन लोगों को पहले कभी चोट लगी हुई होती है और या फिर किसी को अगर प्रॉब्लम है जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है, अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर ये मौसम उनके लिए अच्छा नहीं होता। जैसे जैसे ठंडी हवा चलती है, मौसम में चेंजेस आते हैं तो उनके लिए ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। तो ऐसे मौसम में आप क्या करा सकते हैं? आयुर्वेद में हम चिकित्सा की बात करें तो सबसे पहले आता है निदान परिवर्जन, यानी अगर आप जिन चीज़ों की वजह से जो कारण है अगर आप उसका त्याग करते हैं तो फिर आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा मतलब 50% जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो वहीं ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं तो आप अगर उसके अकॉर्डिंग आप अपना डाइट ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रिवेंशन कर रहे हैं तो आप उससे 50% ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा अगर आपको जॉइंट प्रॉब्लम है तो अगर आप उससे रिलेटेड पहले से ही कुछ प्रिवेंशन लेके चल रहे हैं, ठंड का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं तो भी आपको काफ़ी हद तक 50% में बोलूँगी कि सुधार आपका हो जाता है। इसके बाद संशमन चिकित्सा, यानी हम मेडिसिंस देते हैं जिसमें आपके भस्म होते हैं, वटी यानी टैबलेट्स वगैरह होती हैं, आसव रिष्ट होते हैं पीने के लिए, वो भी हम देते हैं। अब बात जो मैं करने जा रही हूँ वो होती है संशोधन चिकित्सा, जो आप अगर कराते हैं तो इसके बाद जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहती हैं, आपको उसके लिए बार बार परेशान नहीं होना पड़ता। अब हम बात करेंगे जैसे संशोधन चिकित्सा की बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर मान लीजिए आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं तो ठीक है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में आप क्या करा सकते हैं, आपके लिए वमन, विरेचन, नस्यम, ये तीनों जो प्रक्रियाएँ हैं, जो कर्म हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। आप वमन, विरेचन या नस्यम, आप वमन विरेचन में से कोई एक कर्म करा सकते हैं और नस्यम आप ज़रूर करवाइए। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी प्रॉब्लम है, जो मौसम बदलते यानी मौसम में जैसे जैसे ठंडापन आता है वैसे वैसे बढ़ती जाती है, तो अगर आप एक बार करा लेंगे तो फिर आपको इन कमिंग जो ठंड है यानी जो अभी ठंड 2-3 महीने रहेगी तो आप उसमें आराम से रह सकते हैं, आपको प्रॉब्लम दोबारा से नहीं होगी। और अगली सर्दियों में भी आप गौर करेंगे कि आपको जो ये प्रॉब्लम इतनी फ्रीक्वेंटली होती रहती है वो नहीं होगी। इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको जॉइंट प्रॉब्लम है तो उसमें आप क्या कराएंगे, उसमें हम विरेचन भी करते हैं और इसके साथ साथ अभ्यंगम होता है, स्नेहन स्वेदन करते हैं और साथ में वस्ति भी देते हैं। तो वस्ति जानु वस्ति भी होती है, पोटली भी की जाती है, तो ये सभी जो आपकी प्रॉब्लम है उसको क्योर करने में बहुत हेल्प करती है। जी हाँ, लेकिन हाँ, अब दूसरा ये आता है कि हमें कितने दिन कराना चाहिए और कितनी जल्दी इफ़ेक्ट आता है, अक्सर लोग यही पूछते हैं। देखिए, अगर आप एटलीस्ट 20-25 डेज कराते हैं रेगुलरली तो आपको गारंटी के साथ जो जॉइंट प्रॉब्लम की जो जॉइंट पेन होता है और आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है तो ये चीज़ें आपको लंबे टाइम तक उससे रिलीफ हो जाएगा आपको। और साथ में अगर आप मेडिसिंस लेते हैं तो ये दोबारा जो फ्रीक्वेंटली होती रहती हैं वो चीज़ें नहीं होंगी आपको। जैसे इस मौसम में बेसिकली जो अस्थमा वाले पेशेंट्स होते हैं, आरए वाले पेशेंट्स होते हैं, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस वाले, तो इनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, जैसे हवा चलती है तो इनको पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से वो कोई काम भी नहीं कर पाते।
और फिर दूसरा होता है कि इस मौसम में जैसे अग्नि भी मंद हो जाती है, तो जैसे जो आप ये कर्म मैंने बताए हैं, विरेचन है, वमन है, ये सब आप कराते हैं, तो इससे आपके डाइजेशन पे भी बहुत अच्छा रोल होता है और आपका डाइजेशन भी अच्छे से होने लग जाता है। और जो और क्रियाएं हैं जैसे वमन, विरेचन, नस्यम, ये आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से बहुत हेल्प करती हैं। और वस्ति है, जैसे जो मैंने बताई, जानु वस्ति है, पोटली है, स्नेहन स्वेदन है, ये सारी आपकी जॉइंट प्रॉब्लम्स में हेल्प करती हैं। तो अभी मौसम स्टार्ट हुआ है, आप अगर अभी ये इनमें से अगर आप कुछ थेरेपी करा लेते हैं, कुछ कर्म करवाते हैं, तो आपको इन जो अभी ठंडियों के मौसम अभी और जो मंथ्स आने वाले हैं उसमें आप खुद को बचा सकते हैं। और इसके साथ अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो उसका बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होता है। आप इस विषय पे ज़रूर विचार कीजिए, क्योंकि ये अगर आप करवा लेते हैं तो आपकी जो ये ठंडी है वो अच्छे से चली जाएगी, आपको पेन और अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं फेस करना पड़ेगा। बाकी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं अस्थमा की या रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप उनके साथ मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप हमारे सेंटर पे आना चाहते हैं तो हमारे सेंटर पे आके हमारे क्लिनिक को विज़िट भी कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।